अच्छी बनी बनाई पंजाब की सरकारी मंडा दे हमरा मेरन से खाते वाले के सिंदूर सिंदूर नी में चक्कर में हमरा तो लगाया सिंदूर भी भाग गया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में अच्छी खासी कांग्रेस सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दिया, उससे कांग्रेस हाईकमान का नाराज होना स्वाभाविक है कि कहां तो उनके चक्कर में कैप्टन अमरिंदर को हटाया और अब जो है वो भी छोड़ चले। इसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहाँ कहाँ पर जगह खाली है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी वार करने का मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गोर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उपचुनाव होने वाले हैं कुछ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रहते हुए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी भाली कैप्टन सरकार चल रही थी, उनको हटा दिया और अब सिद्धू भी छोड़ के चला गया। जरा सुनिए उस वीडियो में क्या कह रहे हैं। हमरा मेरन से खाते वाले के सिंदूर सिंदूर नी में चक्कर में हमरा तो लगाया सिंदूर भी भाग गया। अब राहुल के होते हुए हमें जैसा कि आपने सुना, यही राजनीति है। जहां राजनीतिज्ञों को वार करने का मौका मिलता है वो छोड़ते नहीं हैं। भला बीजेपी क्यों छोड़े? एक तरफ कन्हैया कुमार जिस दिन पार्टी में शामिल हो रहे थे गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के साथ, उससे पहले सिद्धू का इस्तीफा आ गया और कन्हैया कुमार का जो कार्यक्रम था वो जो है धो दिया, उन्होंने धूमिल कर दिया उसको। अब बीजेपी को दो अटैक करने का मौका मिला है। कन्हैया कुमार से टुकड़ा टुकड़ा गैंग सब जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसी शब्द के माध्यम से उस पर वार कर रही है कि कांग्रेस को यही आखिरी आसरा बचा था, असली चरित्र सामने आ गया। और दूसरी तरफ सिद्धू को लेकर के तंज कस रही है बीजेपी कि कैप्टन अमरिंदर अच्छी सरकार चला रहे थे, वो सरकार की कमान उनके हाथ से ले ली और अब सिद्धू भी छोड़ करके चले गए। सिद्धू का भरोसा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान की जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर के है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने। सुनील झाखड़ ठीक थे, बैलेंस्ड थे। किसी भी जिम्मेदारी के पद पर बैलेंस्ड आदमी को होना चाहिए। जोश में होश गंवाने वाले के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति में बहुत कुछ आपको पीना पड़ता है, सो सिद्धू नहीं पी पाए। सिद्धू को डीजीपी या वहाँ के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति या एकाध ऐसे मंत्री बनाया जाना इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस्तीफा देने का वो कारण नहीं है जो उन्होंने वीडियो जारी करके बताया है। वीडियो जारी करके उन्होंने ये बताया है कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, वसीम बरेलवी को कोट किया है। लेकिन असल में जो उनका दर्द है वो दर्द है कि वो सीएम नहीं बन पाए। और चरणजीत सिंह चन्नी बेशक उनके दोस्त रहे हों, अब उनके हाथ में कमान है तो वो कठपुतली सीएम बन के नहीं रहना चाहते। बस इसी में जो है वो अपने मन से कुछ फैसले किए, बहाना ढूंढ रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब चन्नी से कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर यदि मामला निपट जाए तो निपटा लीजिए, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धू का रिजिग्नेशन मंजूर कर लिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल बीजेपी तो वार करेगी, क्योंकि बीजेपी को वार करने का मौका कांग्रेस ने ही दिया है, खास तौर से राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं लेकिन दरबार उनके यहाँ लग रहा है। अध्यक्ष बनने से पहले कैप्टन अमरिंदर को हटाना, जो वहाँ के स्टालवार्ड थे, एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है कि कैसे वो अपने हाथ में कंट्रोल ले रहा है। लेकिन यदि पाला ही फैसला उल्टा पड़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल की इमेज भी कहीं ना कहीं डेंट हो रही है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।